भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज संगठनात्मक चुनाव की एक बड़ी बैठक है और सक्रिय सदस्यता अभियान की, सर क्या कहना चाहेंगे? संगठन चुनाव की कार्यशाला है और आगामी संगठन की रचना के लिए एक पूरी कार्य योजना आज प्रदेश की इस बैठक में तय होनी है और बूथ समिति के चुनाव, फिर मंडलों के चुनाव, फिर जिलों के चुनाव, प्रदेश के चुनाव, ऐसे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक के चुनाव की प्रक्रिया होनी है। आज हमने सभी जिला चुनाव अधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सब लोगों को बुलाया है और किस प्रकार से इस योजना को आगे बढ़ाना है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय लक्ष्मण जी, महेंद्र पांडे जी सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। सपा पे एक सर होर्डिंग लगाई गई, ना बटेंगे ना कटेंगे, नफरत करने वाले 2027 में सर हटेंगे। उसका भी समाजवादी पार्टी और जो इंडी गठबंधन का विपक्षी दलों का एजेंडा है समाज को भाषा, जाति, क्षेत्र के नाम पर बांट, हमारी पार्टी सामाजिक समरसता की, सामाजिक सद्भाव की बात करती है और सबको साथ लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और निश्चित रूप से देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हमेशा समाज को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का षड्यंत्र करती रही हैं और हम लोग इन ताकतों के विरुद्ध देश को सजग करते रहेंगे। पांडे के परिवारजनों से मिले सर आज? हाँ, निश्चित रूप से एक दुखद घटना है और सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के पीड़ित परिवार तक की सहायता के लिए हर संभव मदद की बात कही है और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी सक्रिय सदस्यता अभियान और उसी के साथ साथ संगठनात्मक चुनाव की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।